ऋतिक रोशन सैफ अली खान की आने वाली फिल्म विक्रम वेधा को लेकर बहुत ज्यादा बज इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। जब से इन दोनों ही एक्टर्स ने इस फिल्म के लिए शूटिंग शुरू की है उसके बाद से फैंस काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन इस वक्त इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है कि इस फिल्म की शूटिंग इंडिया के बाहर हुई है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि यूएई में इसकी शूटिंग होने की वजह से फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। अब इस बारे में क्या एग्जैक्ट डिटेल है, इस बारे में रिलायंस ने एक इम्पोर्टेंट इशू किया है क्लैरिफिकेशन, चलिए आपको बताते हैं। करण आदर्श ने इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा, ऋतिक सैफ, विक्रम वेधा, रिलायंस इश्यूज इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन। We have been noticing a lot of misleading and totally unsubstantiated reporting on Vikram Vedha's shooting locations. We clearly want to state that Vikram Vedha has been shot extensively in India, including Lucknow. A portion of the film was shot in United Arab Emirates in October and November on 2021. Since it was the only location providing the infrastructure for a bio bubble that accommodated crew of such scale, also allowing business of sets in a studio during the preceding months of the shoot. We choose to do that out of health and protocol concerns. Any attempts to twist these sets of facts are clearly mischievous and untruthful. कहीं ना कहीं इस फिल्म के लोकेशंस को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही है, जिसके वजह से मेकर्स को मजबूरन सामने आकर इस बारे में क्लैरिफिकेशन इश्यू करना पड़ा। इसी के साथ साथ वो लिखते हैं, Also we would like to empathetically state that at Reliance Entertainment, while we welcome suggestions from creative talent, the production and budgetary decisions are a centralized prerogative. Well, Reliance Entertainment ने अपनी तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया है। अब आपकी इस बारे में क्या है राय, बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।